नमस्ते कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में मैं मधुरा आपका तह दिल से स्वागत करती हूँ दोस्तों ऐसा कहा गया है दाताच वंश पुण्य न पुण्य न भाग्यवान दाता बनना तो बहुत पुण्य की बात है लेकिन आजकल हम दिखाई देते हैं जो दातृत्व प्रवृत्ति है वो कहीं पे नज़र नहीं आती लेकिन ऐसे समय पे किसी ने कहा है प्रकृति में सब दाता है किसने अर्थात हमारी कवयित्री जी सीता गुप्ता जी ने सीता जी हमारे साथ आज फिर है कवि और उसकी कृति इस कार्यक्रम में नमस्कार सीता जी नमस्कार कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में फिर से एक बार मैं आपका तह दिल से स्वागत करती हूँ कितनी प्यारी ये कविता है आपकी प्रकृति में सब दाता है <laughs> ये शीर्षक ही बहुत प्यारा है आपने कहा है सूरज कहता है सबको प्रकाश दो तो। सूरज कहता है सबको प्रकाश दो तो। चंद्रमा कहता है सबको उजास दो तो। ये शब्द ही कितना सुंदर है उजास वैसे तो हम सुनते हैं ये शब्द लेकिन इसकी अगर व्याख्या करनी हो उजास की तो आप क्या करेगी चांदनी रात को हम कहते हैं उजास हाँ अंधेरी काली रात हो अगर हाँ तो कैसा लगता है जीवन एक अमावस्या आती है महीने के अंदर केवल हाँ, हाँ. लेकिन हम कैसा सोचते हैं है. हाँ. है। चंद्रमा को मन का शीतल बिल्कुल, बिल्कुल. तो चांदनी होती है तो हमारा मन भी उतना ही प्रफुल्लित हो जाता है हाँ. इसलिए चंद्रमा कहता है अपने पास मत रखो सबको तो क्या बात है कि, कितनी सुंदर बात है और मुझे एक बात बहुत भाती है चंद्रमा की चंद्रमा प्रकाशमान है लेकिन उस प्रकाश में जैसे आपने कहा शीतलता है कोई ऐसे झिलमिलाहट नहीं है कोई शो ऑफ नहीं है वही जिंदगी का मजा तभी आ जाएगा कि हम हम सिंप्लिसिटी से वो एंजॉय करें तो जिंदगी का मजा बहुत ही दुगना हो जाएगा जैसे आगे बादल कहते बरसो बुझा दो सबकी प्यास को फूल कहते लुटाते रहो जग में सुबास को हाँ तो बादल कहते हैं कि आप आंसू भी बरसा रहे हो तो हाँ। भी किसी की प्यास बुझ जाए आप सुबह की सुबह सवेरे उठकर देखिए बाग के अंदर छोटे छोटे पत्तों के ऊपर छोटे छोटे फूलों की कलियों के ऊपर छोटी छोटी नन्नी नन्नी बूंदे क्या आपको ऐसे नहीं लगता मोती बिखरे हुए हैं बिल्कुल तो बादल की बूंदे हैं वो तो बिल्कुल लेकिन वही बूंद हाँ। कहा गिरती है उसका कितना महत्व है हमें भी लगता है लेकिन कैसा है कि हम ऐसे शब्दों में नहीं ला पाते हो आपके सामने तो शब्दों के फूल बिखरे हुए ही रहते हैं और जब हम आपके साथ बातचीत करते हैं तो वो फूलों के साथ ये स्टूडियो का भी आंगन सज जाता है और हमारे दर्शकों के मन का भी आंगन वैसे ही फूल कहते हैं लुटाते रहो जग में सुहास को पवन भरता रहता प्राण वायु से श्वास श्वास को दर्शकों आप जानिए कि फूल जो है अगर आपके गुलदस्ते में है, तब भी खुशबू दे रहा है हाँ। अगर आप उसको हाथ से मसल दो तो भी आपके हाथ में खुशबू छोड़ जाएगा हाँ बिल्कुल और जब तक दीवार के पीछे है तब भी आपको दूर से ही आभास हो जाएगा कि हाँ इसके पीछे गुलाब की झाड़ी है हाँ। फूल नहीं रहा लेकिन अपनी सुबह से आपको खींच लेगा तो मेरे भी विचार मेरे भी कर्म कुछ ऐसे क्यों ना हो कि मैं दिखूं किसी को या ना दिखूं मेरी तरफ खींचाए क्या बात है लेकिन ये अच्छे कर्म करने की भी वैसी बुद्धि होनी चाहिए ना तो उस बुद्धि को क्या खुराक दे <laughs> अगर मैं स्वयं को फूल मान लू तो फूल तो स्वतः देता है ना उसको कोई कहता थोड़ी है उसको नहीं मालूम है उसकी खुशबू किसने ली है बिल्कुल ये हमारी प्रकृति जो है उसके उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और पवन भी आपने जैसे कहा पवन भी बहता है तो वो प्राण वायु देता है कितनी सहज प्रकृति ये सहजता अपने जीवन में कैसे धारण करें ऐसे करें कि विज्ञान कहता है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है बिल्कुल तो उसमें कौन है सूरज है धरती है आकाश है पवन है और पानी, पानी है तो पवन पानी और प्रकाश तीनों का गुण है फैलते जाना हाँ, हाँ. आपके कमरे में खिड़की में इतना सभी झीरी होगी तो सूर्य का प्रकाश पूरे कमरे में आ जाएगा बिल्कुल पानी की बूंद जमीन पे गिरेगी बिखर जाएगी हाँ, हाँ. पवन को आप बांध नहीं सकते ऐसे <laughs> ही पवन पानी और प्रकाश तीनों की प्रकृति है फैलते जाना तो पवन सबको श्वास श्वास दे देता है आप देखिए अगर थोड़ी देर भी कहीं पर हवा बंद हो जाए तो क्या हो घुटन <laughs> तो दिखता नहीं है पवन पवन को मैं महसूस कर सकती हूँ केवल बिल्कुल तो ऐसे ही बहुत कुछ हमारे जीवन में ऐसे है कि हम उसे महसूस कर सकते हैं ले सकते हैं उसको देख नहीं सकते लेकिन जरूरी नहीं है जो दिखता नहीं है उसका अस्तित्व भी नहीं है पवन ये कहता है आप दिखो चाहे ना दिखो लेकिन आपका अस्तित्व लोगों के दिलों में रह जाए ऐसा कुछ कर जाओ परमात्मा परमात्मा प्रेम के बारे में भी हम यही कह सकते हैं। परमात्मा तो रचयिता है ना आप भगवान क्यों कहते हैं हाँ। भगवान में पांचों जो भगवान कौन है जो पांचों तत्वों का स्वामी है हाँ। भगवान में पांचों तत्व समाये हुए हैं बहुत से भूमि ग से गगन व से वायु आसे आकाश और ना से नीर अच्छा इसलिए उसको भगवान कहते हैं वो पंच तत्वों का स्वामी है कितनी अच्छी तरह तो जब से... उसकी रचना प्रकृति सबको इतना देती है तो भगवान तो अवश्य देगा ही ना बिल्कुल कितनी अच्छी तरह से आपने समझाया और वही आपने जो बोला कि परमात्मा प्रेम भी हम वैसे ही महसूस कर सकते हैं कि वो हमें दिख नहीं रहा है लेकिन उसका प्यार हम पा सकते हैं बिल्कुल पा सकते हैं जैसे आपने अपने जीवन में पाया है आप क्या कहेंगे इसके बारे में सब पाते हैं बस कोई अनुभव कर लेता है कोई नहीं करता अच्छा पाते हैं अच्छा आपने कभी ऐसा अनुभव किया है परमात्मा पे अवश्य कई बार किया है अच्छा कोई एक अनुभव सुना दीजिए ना बचपन में हमारे माता तो चले गए थे हाँ लेकिन पिता के प्रेम में ही हमको परमात्मा का प्रेम अनुभव होता था क्योंकि परमात्मा को हम क्या कहते हैं तुम ही हो माता तुम ही पिता हो तो जब हम मंदिर में जाते थे अपने पिता के साथ तो हमें अनुभव होता था कि हाँ वहाँ हमारी माता भी विराजमान है बहुत ही इतना छोटा बचपन भी नहीं था युवावस्था में कह सकते हैं हमारी माता जी ने शरीर छोड़ा था लेकिन उनकी जो छाप थी हमारे ऊपर वो हमेशा पड़ी रही ना तो परमात्मा भी हमारा माता पिता है अगर इस रूप में जो हमने रोज गाया परमात्मा कहते हैं जो आप रोज गाते हो तुम ही हो माता तुम ही पिता हो तुम तुम ही ही हो हो सखा उसको अनुभव करो बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जो अनुभव होता है आपके पास वो जीवन भर याद रहता है पड़ा हुआ याद नहीं रहता है कितनी दिल को स्पर्श करने वाली बात आपने कही आपने आगे लिखा है जल बहता कहता जल बहता कहता सबको तृप्ति का अभ्यास दो आभा जल बहता कहता सबको तृप्ति का आभास दो गगन का विस्तार उड़ान को ऊंचाई का विश्वास दो वाणी की सरिता मीठा बोलो सुख का एहसास दो वाणी की सरिता मीठा बोलो सुख का एहसास दो वसुधा तो माता सी वसुधा तो माता सी अपनी गोद में सबको आवाज दो ये कितनी बड़ी बात है कि ये वसुधा से कितनी बड़ी सीख हम पा सकते कि अपनी गोद में सबको आवाज दो तो, क्या हम इतना बड़ा बन सकते हैं इसलिए धरती को माँ कहते हैं ना बिल्कुल क्योंकि माँ के पास सबके लिए जगह है माँ की गोदी में ही राम कृष्ण हनुमान गा, गांधी गोखले सब माँ की गोद में ही पले हैं हाँ। तो धरती भी तो हमारी माँ है हाँ। और रहने का स्थान सभी को आवास माने रहने का स्थान हाँ।, तो हाँ।, तो तो हाँ बिल्कुल आप मतलब... आकाश में लटक कर तो नहीं रह सकते हैं हाँ। वैसे ही आपने कहा है जैसे जल पेड़ पौधों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं बहुत कुछ ले सकते हैं तो वो भी एक धरती का ही भाग है वो वो भी सब धरती के ही घटक है जैसे आपने कहा है जल बहता कहता सबको तृप्ति का आभास दो ये तृप्ति का आभास क्या रहता है अगर बहुत प्यास लगी है मुझको हाँ तो कौन तृप्त करेगा बहुत प्या, प्यास लगी है मैं आपके पास आई हूँ आप हाँ। मुझे चाय देंगे तो क्या मेरी प्यास मिटेगी हाँ। नहीं। जल की प्यास तो जल ही तो जल ऐसा है कि सबकी प्यास मिटाई इसलिए जल कहते हैं कि सबको तृप्ति का आभास का देता है अंदर तक हाँ। तृप्त तो होगा मन तो तन में भी शक्ति आएगी बिल्कुल क्योंकि अगर मन अतृप्त है तो हम पूरे तन से कोई काम नहीं कर पाते हैं हाँ मन वाहक है शरीर कार्य करता है लेकिन उसको दिशा निर्देश कौन करता है वह मन करता है अगर मन ही दुविधा में होगा तो हम कार्यों को पूरी सकुशलता से नहीं कर पाएंगे बिल्कुल हाँ। गगन का विस्तार उड़ान को ऊंचाई का विश्वास दो उड़ान को ऊंचाई का विश्वास कैसे दे आप देखिए पक्षी आकाश में कैसे उड़ते हैं हाँ आकाश में पक्षी उड़ते हैं ना हाँ। तो कोई पेड़ कोई पौधा कोई उनके बैठने की व्यवस्था तो नहीं होती है कहीं हाँ। भी हाँ। लेकिन हाँ। उन्हें एक विश्वास होता है गगन बहुत विस्तृत है मैं कितना ही चाहूँ उड़ सकता हूँ हाँ। तो गगन कहता है मेरा इतना विस्तार है तुम जितना चाहो उड़ सकते हो हाँ। लेकिन अपने पंखों में शक्ति भर लो पंखों में शक्ति भरना बहुत ज्यादा जरूरी है तो इसलिए विश्वास होगा तो शक्ति अपने आप आती है विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है इसलिए क्या कहावत है मन के हारे हार है मन के जीते जीत तो मन में विश्वास पक्का कर लीजिए मैं कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ hmm. कितनी पॉजिटिविटी कितनी सकारात्मकता आपके विचारों से मिलती है अपने जीवन को नंदनवन बनाना है अपने जीवन को नंदन वन बनाना है तो दिल में शुक्राना, आँखों में मुस्कुराना है जीवन को नंदन वन कैसे बनाया जा सकता है नंदन वन देवताओं के बगीचे को कहते हैं हाँ। तो देवताओं का बगीचा होगा तो अवश्य में उसमें सबसे रसीले फल होंगे सबसे खुशबूदार फूल होंगे हाँ। सबसे हरी भरी वसुधा होगी हाँ। नीला नीला आकाश होगा तभी तो नंदनवन होगा ना जहाँ आपको सुख का स्पर्श हो अंदर जाते ही सुख का स्पर्श हो शीतलता का स्पर्श हो तो मन तो जीवन भी ऐसा हो अगर तो जीवन को अगर मुझे नंदन मन बनाना है तो दिल में शुकराना आंखों से मुस्कुराना है क्या बात दिल है? में सबके प्रति शुक्रिया अच्छा क्योंकि हम व्यक्ति जन्म अकेले लेता है जीवन अकेले नहीं जी सकता है अच्छा लेकिन आपको लगता है सबको शुक्रिया हमें कहना चाहिए सबको कहना नहीं है जरूरी नहीं है कि हम सबको कहें हाँ हम मन से तो कर सकते हैं ना अच्छा लेकिन मन से भी सबको शुक्रिया करना चाहिए एक व्यक्ति के निर्माण में आप बताइए कितने लोगों का योगदान होता है माता का पिता का गुरु का हु. उस किसान का जिसका अन्न खाकर आप बड़े हुए हो कितनी हम उस तो भी कम का है। जिसके बनाए हुए कपड़े आप पहनते हो उस कारीगर का जिसने सड़क बनाई है जिस पर आप चलते हो क्या बात है उस स्कूल की अध्यापिका का जिसने आपको बताया कैसे लिखना है कैसे पढ़ना है उसको क्या समझना है कि... कितने लोगों का योगदान है लेकिन सबसे पहले तो हमें परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए लेकिन वो सब भी तो परमात्मा की ही रचना है परमात्मा दृष्टिगत तो नहीं है ना हाँ। इसलिए परमात्मा ने अपनी रचना को नीचे भेजा है कि आप इन सबको ऐसे ऐसे पूर्ति दो क्या बात है क्या बात है शुक्राना कब होगा जब उम्मीद रब से रखो सब से नहीं हाँ उसकी तरफ मैं आती हूँ माफी चाहती उसकी तरफ मैं आती हूँ लेकिन ये जो आपने एक पंक्ति लिखी है आंखों से मुस्कुराना है भला आखों से कैसे मुस्कुरा सकते हैं आंखें तो सबसे ज्यादा मुस्कुराती हैं अच्छा <laughs> आंखों से हम खाते हैं आंखों से हम पीते हैं आंखों से ही तो खुश रहते हैं आपको किसी की दृष्टि याद रह जाती है ना हाँ वो तो है वो तो सो तो है चेहरा किसका कितना सुंदर है कहाँ याद रहता है हम्म। किसकी आंखें कितनी भाव प्रवण है वो याद रहता है कि नहीं हाँ। हाँ बिल्कुल शायद इसीलिए कहा है कि आंखें मन का दर्पण है हाँ <laughs> आंखें मन का दर्पण है क्योंकि आंखों से वो भाव झलकता है आपको क्रोध आएगा तो आपकी दृष्टि टेढ़ी हो जाएगी न? अच्छा हाँ खुशी आएगी तो मुस्कुराने लगेंगी आंखें <laughs> क्या गम आएगा तो कहाँ से आता है आंखों से आंखों से तो आंखें सबसे ज्यादा हमारे पंच पांचों ज्ञानेंद्रियों में आंखें सबसे ज़्यादा क्रियाशील हैं तो आंखों से मुस्कुराना है सबसे पहले हम क्या देखते हैं चेहरा देखते हैं हाँ। उसके बाद व्यवहार देखते हैं हाँ। तो चेहरे में सबसे ज़्यादा जीवंत तो हैं मुख तो बाद में बोलता है हाँ। आप और मैं मिले मैंने आंखों से ही थोड़ा मुस्कराया तो आप खुश हो गए ना हाँ। उसके बाद हमारा आपसी वार्तालाप खुशी में आएगा ना क्या बात है बहुत बड़ी बात आपसे जानने को मिली आज तक मैं होठों से मुस्कुराती थी लेकिन आँखों से मुस्कुराना है मतलब वो मुस्कुराना वो जो खुशी है वो दिल से आनी चाहिए तभी वो आँखों में झलकेगी बहुत ही बड़ी बात बहुत ही प्यारी बात आपने सुनाई अपने जीवन को नंदनवन बनाना है तो दिल में शुक्राना आँखों से मुस्कुराना है उम्मीद रब से रखो सबसे नहीं उम्मीद रब से रखो सबसे नहीं रिश्ते प्रेम के जोड़ो सबब से नहीं ये क्योंकि उम्मीद रब से रखो सबसे नहीं कल के एपिसोड में भी हमने कहा था अगर हम सबसे आशाएं रखेंगे हाँ. तो किसी की क्षमता है किसी की नहीं है किसी का मन है आपकी इच्छा पूरी करने का किसी का नहीं भी हो सकता है हाँ. या किसी के पास समय के अभाव हो सकता है धन का अभाव हो सकता है सामर्थ्य का अभाव हो सकता है अच्छा तो अगर हम सबसे इच्छा ही रखेंगे तो हम जो हमारी इच्छा पूरी कर देगा वो हमें अपना अजीज लगेगा लेकिन सचमुच अगर मैंने किसी के लिए बहुत कुछ किया हो बहुत ही ज्यादा कुछ किया हो तो मैं इतनी भी एक इच्छा नहीं रख सकती हूँ कि वो मुझे थैंक्स कहे ये तो व्यापार हो गया ना आपने उसके लिए कार्य किया उसने आपको थैंक्स कर दिया आपने ज्यादा दिया उसने थोड़ा दे दिया व्यापार हो गया लेकिन आ, मतलब ये अगर आ, मैं व्यापार नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ एक थोड़ी सी उम्मीद रख रही हूँ कि मैं सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ इतना मैंने किया तो इतना भी उन्होंने थैंक्स नहीं कहा ये बात तो मन में आ जाती है आखिर हम इंसान हैं तो हम अपने को बहलाते हैं ये कहकर कि हम इंसान हैं और दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं इंसान सबसे बहुमूल्य है इंसान जीवन सबसे बहुमूल्य है अच्छा तो जो बहुमूल्य है उसको तो बहुत संभाल संभाल के आप प्रयोग करते हैं <laughs> तो छोटी सी बात में हम घबरा जाए कि उसने हमको धन्यवाद भी नहीं किया इतना सारा हमने उसके लिए कार्य किया हाँ। तो फिर दूसरे के लिए हम कर नहीं पाएंगे ना पता नहीं इनके लिए इतना किया इन्होंने तो हम एक शुकराना शब्द भी नहीं कहा और उनके लिए करके क्या फायदा तो हमारी करने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी अच्छा इसलिए मैंने कहा कि उम्मीद रब से रखो सब से नहीं रिश्ते प्रेम के रखो सबब से नहीं सबब मीज अपने मतलब से अच्छा अच्छा तो प्रेम से रिश्ते होंगे तो माँ किसी से चाहती है उसको क्या संतान रोज कहे कि माँ तुमने मेरे लिए बहुत किया हाँ। पिता चाहता है क्या पिता के पास नहीं भी होगा तब भी वो संतान की इच्छा पूरी करता है लेकिन आज आज के जमाने में ये सब पॉसिबल है इतने निस्वार्थ इतने निस्वार्थ रिश्ते इतने प्रेम संबंध ये सब पॉसिबल है क्या माँ जैसा प्यार हम सबके पास से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपने गलत ले लिया है एक्सपेक्ट करना तो मैंने पहले ही बोल दिया उम्मीद रब से रखो सबसे नहीं हाँ तो मैं तो कह ही नहीं रही कि सबसे हम एक्सपेक्ट करें नहीं नहीं माँ नहीं, माँ जैसा प्यार जो है वो हम सबको दे सकते हैं। दे सकते हैं ना अगर देने की इच्छा मन में जाग जाए अच्छा। स्त्री को भगवान ने पुरुष से भी ज्यादा शक्ति दी है हाँ। उसके तन में शक्ति है इसके मन में शक्ति है हाँ। बिल्कुल पुरुष शक्ति में प्रबल है तन की शक्ति में स्त्री प्रबल है मन की शक्ति में अच्छा बिल्कुल ये बात तो सही है तो वो दे सकती है सबको पर जितना सामर्थ्य है उतना तो दीजिए हाँ। ये सोच कर कि मैं कितना दे पा रही हूँ उससे क्या हम हाँ। थोड़ा तो दे। <laughs> वो बात बूंदे छोटी छोटी होती हैं लेकिन वो ये थोड़ी सोचती हैं कि मैं एक सरिता बह रही है उसके अंदर मैं एक बूंद गिरी उससे क्या लाभ होगा लेकिन जमाना ऐसा भी तो बन चुका है किसी को उंगली दी तो वो पूरा हाथ पकड़े <laughs> उसके लिए फिर हमें परक शक्ति रखनी पड़ेगी ना हाँ, वो तो है कोई हमारा गलत फायदा ना उठाए वो तो है लेकिन आज के जमाने में ये परक शक्ति भी भला हम कैसे अपने अंदर लाए अनुभवों से परक शक्ति आ जाती है अच्छा अच्छा और कभी अगर हम धोखा खा भी गए हाँ। तो कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा है कि सब अपने कर्म का फल पाते है हाँ। तो धोखा देने वाला अपना फल पाएगा हाँ। मैंने तो अच्छा किया है तो मैंने तो अगर आम का बीज डाला है तो मैं आम ही लूंगी ना हाँ। उसने अगर कांटों का बीज डाला है तो उसकी मर्जी हाँ। तो हमें फल की आशा नहीं करनी है। हमारे कर्म करने हैं कर्मण्यस्ते मा उसी तरह <laughs> उन पर हमारा हक भी न हो उनमें कोई शक भी ना हो मोह भी नहीं, और और... भी, 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 मो भी नहीं भीतर और कोई कसक भी ना हो उन पर हमारा हक भी ना हो उनमें कोई शक भी ना हो मोह भी नहीं भीतर और कोई कसक भी ना हो उन पर हमारा हक भी ना हो जिन पर हम अपना अधिकार समझते हैं उनसे हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करें तो कोई माता अपने बच्चों के ऊपर अधिकार नहीं कह सकती अधिकार है ऐसा नहीं कह माता सकती माता कब कहती है अधिकार है मेरा बच्चों को अपने आप से आएगा ना करने के लिए हाँ। धरती कब कहती है मैंने तुमको इतना अन्न दिया अब तुम मुझे खाद दो आप खाद दोगे तो इनमें ताकत आ जाएगी तो तो है तो हमें किसी के ऊपर अधिकार नहीं जताना है अधिकार जताना हमारे को ही दुख देगा आज अच्छा। अधिकार कोई मानता नहीं है क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा कि आज परवरिश ऐसी हो गई है बच्चे कहेंगे मा, माँ बाप का धर्म ही था हमें पालना क्या बड़ी बात है तो अगर मैं अधिकार रखती हूँ तो अंदर दर्द होगा जब अधिकार मिलेगा नहीं अच्छा। तो इसीलिए मैंने कहा मुंह भी नहीं भीतर और कोई कसक भी ना हो कसक माना जो दिल को छूता हुआ दर्द होता है अच्छा तो कसक होगी फिर इसलिए आशा ही मत रखिए आप अच्छा आशा होगी नहीं टूटेगी नहीं तो निराशा तो भी, हमेशा भी नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं होता है हमेशा दिल को दर्द पहुंचता है ऐसा नहीं कभी कभार हमारे जो हमारे जो हैं जो रिश्ते हैं वो सफल भी होते हैं और अधिकार हम जताते हैं तो भी मतलब एक सकारात्मक उम्मीद सबसे आती है तो, तो अच्छी बात है अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है अच्छा मैंने इसमें ये नहीं कहा कि अधिकार अधिकार जब हम समझ लेते हैं इसको ये करना ही चाहिए अच्छा वो हट वाला अधिकार ना हो अच्छा ओके, ओके। इसको ये करना ही चाहिए। मैंने कहा है तो क्यों नहीं किया हाँ। यानी हम किसी को ना कि हाँ। बस ईश्वर को ही सच्चा साथी बनाना है बस ईश्वर को ही सच्चा साथी बनाना है यहाँ केवल उसने ही वादा निभाना है बाकी सब तो देना और पाना है कितनी अच्छी बात कही है कि अगर हम सच्चा साथी ईश्वर को बनाते हैं तो किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो आपने अपने जीवन में सच्चा साथी ईश्वर को बनाया हाँ, मैंने अपने जीवन में सच्चा साथी ऐसे साथी बहुत सारे होते हैं पति होता है पिता होता है भाई होता है पुत्र होते हैं बहने होती है बेटे होते हैं लेकिन सच्चा साथी ईश्वर ही होता है सबका उनको भी तो शक्ति ईश्वर ही देता है ना करने अच्छा। के लिए हाँ तो मैं दाता उससे 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 क्यों मांगू दाता को ही अपना क्यों ना बना लू क्या बात है <laughs> मतलब ऐसा... जैसे आपने वो फकीर की कहानी तो सुनी होगी ना राजा रोज फकीर को पैसा देता था तो एक हाँ। दिन वो आया नहीं फकीर ने कहा राजा ने कहा तुम आज आए नहीं उसने कहा तू भी तो उसी से मांगता है जाकर तो मैंने सोचा मैं आज उसी के पास जो कर क्यों ना मांग लू जिससे तू भी मांगता है कल मैंने तेरे को देखा था मंदिर में भगवान से मांगते हुए क्या बात है मतलब पानी खरीदने से ज्यादा अच्छा है हम नदी को ही अपना बना ले तो कितनी प्यारी बात आपने कही तो बाकी सब तो देना और पाना है मतलब मैंने आपके लिए किया आपने किसी और के लिए किया उन्होंने किसी और के लिए किया ये तो जीवन का व्यवहार चलता रहता है ना ईश्वर ने ही सच्चा वादा निभाना है इंसान में आज इतनी शक्ति नहीं है कि वो वादा कर भी ले ना निभाए तो हाँ। तो आपको ज्यादा कष्ट होगा हाँ बिल्कुल और हो सकता है उसके पास समय ना हो हो सकता है उसके पास सामर्थ्य ना हो क्या बात है क्या बात है और आपने एक बहुत ही बड़ी बात कही वो मेरे दिल को बहुत छू गई कि हमें देना है सबको लेकिन वो एक दातृत्व भाव होता है वो नहीं रखना है और सबको बस देते जाना है देने का अभिमान अंदर नहीं आना चाहिए क्योंकि देने का अभिमान आएगा तो पाने की इच्छा भी जागेगी क्या बात है क्या तो देना हमने कर दिया अब उसकी इच्छा है जो उतना उसके जिसके पास जितना होगा उतना ही तो देगा ना क्या बात सागर के पास बहुत है तालाब के पास थोड़ा है लेकिन दोनों के पास देने की तृप्ति तो है ना वो थोड़ी प्याज भुजा देगा हो जाएगा बहुत ही बड़ी और अच्छी अच्छी बातें आपने बताई और कैसे देना चाहिए उसके बारे में आपने आज के एपिसोड में बताया आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीता जी दर्शकों आशा है आपके बहुत सारे प्रश्न इसमें संतुष्टि हो गई होगी क्योंकि देना और पाना सबसे आज कठिन सबको लगता है सब लेना तो चाहते हैं लेकिन देना कोई किसी को नहीं चाहता और सब चाह सोचते हैं हमारा अधिकार है हमें मित्रों से भी मिलना चाहिए हमारे माता पिता से भी मिलना चाहिए समाज से भी मिलना चाहिए तो मिलना 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 में ही हम रह जाते हैं और देने की बात भूल ही जाते हैं जैसे आज अधिकार सबको मालूम है कर्तव्य नहीं मालूम तो देना और पाना देना मेरा कर्तव्य है तो पाना मेरा अधिकार होगा नहीं तो नहीं इसलिए पहले देना सीखिए बीज देंगे तो धरती अपने आप हजार दाने बनाकर दे देगी <laughs> देना और पाना कितनी प्यारी बातें हैं और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत सीता जी नमस्कार नमस्कार तो दर्शकों आज के एपिसोड में हमने सुना कि देना यह बात कितनी सुंदर है मुझे एक कहानी याद आई तुलसीदास जी का एक पत्र है रहीम कवि संत कवि थे उनको उन्होंने लिखा हुआ है हमारी संस्कृति में ऐसा कहा गया है दान का महत्व श्रेष्ठत्व बहुत है लेकिन दान देने वाले से ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है तो दान लेने वाला क्योंकि कोई व्यक्ति अगर तुम्हारा दान स्वीकार करती है तो वो उसका पुण्य तुम्हें देती है तो दान लेने वाला ज़्यादा श्रेष्ठ है तो ये रहीम कवि जो थे ना वो बहुत दान धर्म करते थे लेकिन दान देते वक्त वो कैसा देते थे ऐसा दान देते थे नजरें झुकाते थे, थे और वो दान देते थे तो तुलसीदास जी ने उन्हें पत्र लिख के पूछा क्यों भाई रहीम ऐसा क्यों करते हो आप तो उन्होंने उस पत्र का उत्तर भेजा है उस उनका एक दोहा है उस दोहे में उन्होंने उत्तर कहा है देनहार कोई और है देनहार कोई और है जो भेजत दिन रैन लोक धर्म हम पर करें टाको नीचे नैन <laughs> मतलब देने वाला तो कोई और है देने वाला तो वो भगवान है वो भर भर के देते रहता है तो मैं दात्रीत्व का अभिमान क्यों करूं ऐसा उन्होंने इसमें कहा हुआ है और उसका दिया हुआ मैं लोगों को देता हूं वो अपना पुण्य देकर मुझे श्रेष्ठ बनाते हैं तो उन्होंने मतलब कृत कृतज्ञ कृतज्ञता जो है वो उन्होंने व्यक्त क्यों करनी चाहिए मैं ही उनके प्रति आभारी हूँ इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है तो आज के एपिसोड में हमने सुना देना कितनी अच्छी बात है तो ऐसे ही दूसरों को खुशियाँ देते रहेंगे ज़िंदगी में खुशियों से ज़्यादा देने जैसा और सुंदर दूसरा कुछ ना है तो ऐसा ही हम खुशियाँ देते रहेंगे और इस कार्यक्रम को सुनते रहेंगे कवि और उसकी कृति तो मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक नमस्कार